की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई है। वहीं घायल पायलट कैप्टन एम शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया है। बता दें कि प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने सुबह लगभग 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसके कुछ ही समय के अंदर ये क्रैश हो गया। ये प्लेन सूर्य एयरलाइंस का है। इस हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सूर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश की वजह क्या है। आइए आपको बताते हैं। यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी काउंसिल ने प्लेन क्रैश पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि 90% प्लेन क्रैश का कारण टेक्निकल फॉल्ट होता है। हालांकि बता दें, ये रिपोर्ट 1996 की है, जिसमें प्लेन क्रैश होने का कारण तकनीक या फिर इंजन का फेल होना बताया जाता है। साल 1983 से 1999 के बीच बहुत ज्यादा प्लेन क्रैश की घटनाएं सामने आई थी, जिस पर US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने एक रिसर्च भी की थी। इस रिसर्च में पाया गया था कि प्लेन क्रैश के दौरान 95% संभावना होती है कि उसमें सवार यात्रियों की जान बच जाती है। इसमें से लगभग 55% प्लेन क्रैश की घटनाएं सबसे गंभीर होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यात्रियों की जान बच जाती है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे बड़ा प्लेन क्रैश 25 मई साल 1979 में हुआ था। इस दौरान अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 1991 में लगभग 273 लोगों की मौत हो गई थी। इसके इतर दूसरा सबसे बड़ा प्लेन हादसा 3 जुलाई 1988 को हुआ था। इस घटना में लगभग 290 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसका इतिहास ही हादसों भरा है। इसे कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर बनाती है। ये CRJ-200 मॉडल प्लेन है। नेपाल की निजी एयरलाइंस कंपनी सोर्या के पास ऐसे 3 प्लेन्स हैं। जिन हादसों की बात कर रहे हैं, वो इस प्लेन के मॉडल से संबंधित है, ना कि सोर्या एयरलाइंस के। सोर्या एयरलाइंस ने बताया कि ये विमान बॉम्बार्डियर CRJ-200ER था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 9NAME और सीरियल नंबर 7772 था। ये विमान साल 2003 में बना था, मरम्मत के लिए जा रहा था। हादसे से पहले विमान में जितने भी 19 लोग बैठे थे, वो सभी सोर्या एयरलाइंस के स्टाफ थे। वहीं सोर्या एयरलाइंस ने कहा कि उसका CRJ-200ER विमान पोखरा इसलिए जा रहा था ताकि रेगुलर मरम्मत हो सके, टेक्निकल इंस्पेक्शन होना था। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता जशोदा रेग्मी ने बताया कि इस विमान को 1 महीने के लिए हैंगर में रखने वाले थे, ताकि टेक्निकल इंस्पेक्शन करने के बाद इसकी मरम्मत कर सके। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।